नीतीश कुमार जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं आजकल चल रहा है, ये लोग डरे हुए हैं, है हिम्मत अकेले, लेकिन लड़ जाएगी भारतीय जनता पार्टी से। ये जो बोल रहे हैं कि हम गठबंधन बना लिए हम जीत जाएंगे, तो है अकेले के लड़ के दिखा दें भारतीय जनता पार्टी से, है हिम्मत पूरे देश में न सिर्फ बिहार में, अकेले अकेले लड़ के दिखा दें, पता चल जाएगा। जो साफ करेंगे वही साफ हो जाएंगे, वही भारतीय जनता पार्टी कहाँ साफ होगी, दिलों में बसे हुए हैं मोदी जी, हर घर के हर परिवार के दिल में बसे हुए हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में जाति आधारित गणना कराई गई है, हमारे साथ रामकृपाल यादव मौजूद हैं, बीजेपी के सांसद हैं। लेकिन जाति आधारित गणना की रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद अब साफ साफ खुलकर आरजेडी, जेडीयू और इंडिया अलायंस नेता कह रहे हैं कि बीजेपी वालों के लिए तो फजीहत हो गई, किरकिरी हो गई, बीजेपी वालों ने कितना विरोध किया। हमारे साथ रामकृपाल यादव जी मौजूद हैं, कल जेपी नड्डा पहुँचे थे, खूब प्रचार प्रसार भी अब शुरू हो चुका है और बहुत सारी बात होंगी। जाति आधारित गणना बिहार में सरकार ने अपने खर्चे पर करा ली, आप लोगों ने भले केंद्र में ना कराया हो, लोग तो यह सहमति दिए थे, तो राज का ना केंद्र का अधिकार था, इनको अधिकार था, अधिकार तो जिसको था, स्तुति गान जिसके नेतृत्व में हो रही है कांग्रेस पार्टी, कहा नहीं करवाई थी उस समय भी, तो बहुत लोगों ने डिमांड किया था, तो कहाँ करवा दिए थे उस समय, ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये तो प्रधानमंत्री से मिलने भी गए थे लेकिन वहाँ पर बात नहीं स्वीकार की गई केंद्र सरकार ने। अरे आप प्रधानमंत्री से मिलने गए, पहले के जो प्रधानमंत्री थे इसके पहले, उन्होंने क्यों नहीं करवाया, ये डिमांड तो कोई नया है नहीं, मैं तो उस समय डिमांड करने वालों में से हम भी थे और आज भी हैं, आज भी सरकार तो पक्ष कर रही है, कैबिनेट में डिसीजन हुआ, सब कुछ हुआ, राय बनी विधानसभा में, राय बनी, ऑल पार्टी के जो डेलीगेशन गया था उसमें भारतीय जनता पार्टी था, कभी विरोध कहाँ किया जाति गणना का। देख रहे हैं नीतीश कुमार हो या राहुल गांधी हो, सभी कह रहे हैं कि देखिए ना ये मुसलमान विरोधी हैं, ये ओबीसी विरोधी हैं, सब विरोधी हैं। देखिए नीतीश कुमार जी को ये बोलते हुए अच्छा नहीं लगता, बिहार की जनता और देश की जनता देख रही है कि पहले किसके साथ थे ये, किस तरह से इन्होंने जनता दल को कमज़ोर किया, किस तरह से अपनी पार्टी बनाई थी और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठ करके मुख्यमंत्री बने, रेल मंत्री बने, इनको बोलते भी अच्छा नहीं लगता है। अभी तो आरजेडी के साथ क्या बोलते हैं, 100 चूहा खा के बिल्ली चलिए हज को करने के लिए, ये ठीक नहीं लगता है नीतीश कुमार जी को, ये ठीक नहीं लगता है, देश दुनिया हंस रही होगी। और यही जो निर्णय हुआ था उसमें भाजपा अलग कहाँ थी भाई, जाति गणना के में भाजपा अलग थी, वो तो कह रहे हैं कि पर्दे के पीछे से आप लोग नहीं कोर्ट में स्टे करवाया, ये झूठ बोल रहे हैं, जनता के आंख में धूल झोंक रहे हैं और अपने जो दाग है ना उसको मिटाना चाहते हैं, ये बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नीतीश कुमार जी, शोभा नहीं देता नीतीश जी आपको। हम आपके साथ लंबे अरसे से मैं आपके साथ काम करता रहा हूँ बहुत दिनों तक, ये आपको शोभा नहीं देता। नहीं, ललन सिंह भी एक दिन कह रहे थे कि ये इवेंट मैनेजमेंट वाले लोग हैं, कौन वाले, वैसे लोगों पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। आपको लगता है कल जिस तरह से जेपी नड्डा पार्टी में संभाले ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं पार्टी में संभाले, क्या उनके पार्टी के कुछ लोग हैं क्या संपर्क में? नहीं नहीं, हमारे संपर्क में क्यों रखा, सिर्फ फोटो बोल, आप ही लोग दिखा रहे हैं कौन किससे लड़ रहा है, कौन किसका बयान कंट्राडिक्ट कर रहा है, ये अपने पार्टी को संभाले, उनको कौन मान रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हैं, कहते हैं कुछ और, पार्टी कर रही है कुछ और, कौन उनका स्थिति है कुछ। कल जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे जेपी नड्डा, उन्होंने कहा कि हम कंधे पर किसी को नहीं बैठाएंगे, यानी नीतीश कुमार की वापसी अब संभव नहीं है। नहीं, इनको तय है, तो वो भी कह रहे हैं कि हम एप्लीकेशन लेके थोड़ी गए हैं। कौन एप्लीकेशन लेके, तो 100 बार गए हैं आप गठबंधन होने के बाद, टूटने के बाद भी बहुत बार गए एप्लीकेशन लेकर के, ये एप्लीकेशन नहीं लेके बने तो कैसे वो महागठबंधन के साथ टूट करके कैसे आ गए यहाँ, बिना एप्लीकेशन दिए हुए मुख्यमंत्री बन गए, फिर कैसे बन गए थे याद नहीं है? अरे ये मत बोलिए, ये अच्छा नहीं लगता है, ये एप्लीकेशन देख, और भारतीय जनता पार्टी नहीं होती तो नीतीश कुमार यहाँ नहीं हुआ होते। यही तो है, यही जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि बौखलाहट दिख रही है बीजेपी, बौखलाहट कोई बौखलाहट नहीं है, सच्चाई नहीं है क्या मैं जो बोल रहा हूँ? मैं देश के आवाम हूँ और आपके माध्यम से बिहार के आवाम से जानना चाहता हूँ नीतीश कुमार जी के और जनता दल के जो चरित्र है उसको सब लोग ने परखा है, देखा है। लेकिन अब लगता नहीं है रामकृपाल जी की, मतलब आपका भी लंबा अनुभव है, अब साथ हो पाएगा फिर? मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ, तो क्लियर हो गया ना, उन्होंने भी कहा कैसे, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत लोगों को कंधा देकर के आगे बढ़ाया, कई लोग जिसका नाम मैं नहीं लेना चाहता, बहुत लोगों ने भारतीय जनता पार्टी उस समय के जनसंघ के काल से ही भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के लोगों ने कंधा देकर के बहुत लोगों को
आगे बढ़ाया, मुख्यमंत्री बनाया, वो इतिहास साक्षी है, कहने की जरूरत नहीं है, सब लोग जानते हैं। वो तो कह रहे हैं कि गांव-गांव तक जो आप पहुंचे हैं, बीजेपी के लोग पहुंचे हैं, वो उनकी देन है, नीतीश कुमार की देन। कौन? नीतीश कुमार। अरे क्या बात करेंगे, नीतीश कुमार जी, नीतीश कुमार जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं आजकल चल रहा है। 40 सीट पर आप लोग को लगता है कि? हाँ, 40 में 40 सीट लड़ेंगे और जीतेंगे, क्योंकि हर बार आरजेडी जेडीयू अलग रहती थी, इस बार आरजेडी जेडीयू सब साथ है, तो क्या होगा उससे? पहले भी साथ रहा है, क्या होगा? कहाँ रहा है 14 मई 19 में, कहाँ साथ रहा है? अलग रहे हैं। अरे पार्टियां मिलने से जनता थोड़ी मिल जाती है, जनता मोदी जी के साथ है। मोदी जी ने काम किया है हिंदुस्तान की आवाम के लिए, काम किया है सभी जाति सभी धर्म के लिए, काम किया है गरीबों के लिए, काम किया है और काम कर रहे हैं लगातार। एक बार फिर लगता है ये लोग डरे हुए हैं, है हिम्मत, अकेले अकेले लड़ जाएगी भारतीय जनता पार्टी से। ये जो बोल रहे हैं कि हम गठबंधन बना लिए हम जीत जाएंगे, तो है अकेले अकेले लड़ के दिखा दें भारतीय जनता पार्टी से, है हिम्मत पूरे देश में न सिर्फ बिहार में, अकेले अकेले लड़ के दिखा दें, पता चल जाएगा, जनता बता देगी। वो बीजेपी को साफ करने चले हैं। कौन साफ कर देंगे? जो साफ करेंगे वही साफ हो जाएंगे, वही भारतीय जनता पार्टी कहाँ साफ होगी, दिलों में बसे हुए हैं मोदी जी, हर घर के हर परिवार के दिल में बसे हुए हैं, जो गरीब है, सभी जाति सभी समुदाय के लोग, सभी धर्म सभी जाति सभी समुदाय के लोग हैं। और मैं समझता हूँ कि मोदी जी को कोई नहीं हटाएगा, कोई नहीं हटाएगा। और एक बात और कहना चाहते हैं गन्ना के बाद, मैं 3 परिवार हूँ, मेरा 3 परिवार है। अब कितना गन्ना ठीक हुआ है उस पर मैं बोल रहा हूँ। कई पार्टियाँ सवाल और कई जाति के नेता, उन्हें जनता दल यू के लोग ही, सुनील कुमार पिंटू जो ने कहा कि जाति गन्ना ठीक नहीं हुआ है, और हमारे यहाँ तो गया ही नहीं। आप एक आकाशन से सुना नहीं है? बिल्कुल नहीं गया। मेरे घर पर, मेरे घर का गुड़िया टोली में गया, मगर जहाँ मैं अलग रह रहा हूँ 2 साल से, वहाँ नहीं गया। तो आपके परिवार के पूरे लोगों की काउंटिंग नहीं हुई है? बिल्कुल नहीं हुआ है, मैं झूठ बोलता ही नहीं। नहीं, फिर सरकार ने कोई आंकड़े जारी किया? हमारे परिवार के अन्य लोगों का हुआ है, ये मैं बोल रहा हूँ, स्वीकार रहा हूँ, मगर जहाँ मैं अभी तत्काल रहता हूँ वहाँ नहीं गया है। देखिए तो कितने हद तक कास्ट सेंसस, एक बात और, बहुत कुछ याद आ रहा है, सिर्फ खाना पूर्ति किया गया है, ये खाना पूर्ति हुआ, बिल्कुल मैं दिल से बोल रहा हूँ और कोई इस पर कोई लाग लपेट करके नहीं बोल रहा हूँ। आप जिससे काम ले रहे थे उसको पैसा आपने दिया है, पता है आपको? आप पूछिए, जो गन्ना में लगे हुए कर्मचारी लोग था उसको पैसा मिला है? 500 करोड़ रुपया आपने बजटीय प्रावधान किया, पैसा कहीं नहीं दिया आपने, काम तो ले लिया, तो कहाँ से काम, जो बिना पैसे का कौन काम करेगा? गया ताला बंद है शहरी इलाके में, खास तौर पर तो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है, तो गया ताला बंद है, लिख दिया चला गया, ताला बंद है, एक कॉलम है उसमें ताला बंद है, तो बहुत लोग गया, एक फॉर्म भरने में 20 से 25 मिनट लगता था, और जितना कम समय में गन्ना हुआ है, ये सब फर्जरी है भाई, फर्जरी है ये सब। देखिए फर्जीवाड़े की भी बू आ रही है, रामकृपाल यादव खुलकर कह रहे हैं, क्या कुछ आरोप लगाया है, और इंडिया अलायंस जेडीयू प्लस आरजेडी प्लस कांग्रेस का क्या हश्र होने वाला है ये भी बताया। आप लाइव स्ट्रीम से आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, धन्यवाद।